पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 8 जुलाई को करेगा देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस तरह का निपटारा जल्द, सिद्धू पर बड़ी चर्चा के लिए अगले हफ्ते दिल्ली पहुंचेंगे अमरिंदर सिंह। 97 दिनों बाद 5 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले, नए केस में भी गिरावट जारी। कपिल मिश्रा के भाषण देते समय फोटो में दिख रहे अफसर ने मांगा। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के इटावा में सपा भाजपा के बीच पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस घमासान में दोनों ही पार्टी के नेता हर हथगंडे अपना रहे हैं। इसी बीच इटावा में बीते 22 जून को गायब हुए एक बीडीसी सदस्य के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके पिता ने सपा कार्यकर्ता पर उसके अपहरण को लेकर बड़पुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आज पुलिस ने बीडीसी सदस्य को बरामद कर कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट के गेट पर सपा व भाजपा के नेताओं का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि बाद में पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत करवाया गया, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और मौके पर सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सरिता भदौरिया व नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव उर्फ अंकुश मौके पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग चलती रही। इसी बीच कोर्ट में पेश बीडीसी सदस्य बयान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने पिता के साथ घर चला गया और मामला शांत हो सका। पूरे मामले की घटना वीडियो में कैद हो गई। सपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, पूरे मामले के बारे में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अंकुश यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बीडीसी सदस्य को कार्यालय से अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। उनके कार्यकर्ताओं के लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया। हम चाहते हैं कि न्यायालय ने जो फैसला लिया है उस फैसले के तहत बीडीसी सदस्य को अपनी मनमर्जी से जाने दिया जाए, लेकिन भाजपा के लोग उसको अपने साथ ले जा रहे थे, जिसको लेकर पूरा बवाल हुआ। गांव बावड़ी के बीडीसी सदस्य को 7-8 दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अंकित यादव, इन्होंने इनके सहयोगियों ने उसको जबरन उठा लिया था, जिसकी शिकायत उसके पिताजी ने थाना बड़पुरा में की। माननीय विधायक जी के आवास पर भी पत्नी, उनके चाचा, उनके ससुर, उनके सब आए के रोए और हमारे पास भी कई बार आए मदद के लिए। तो मैंने कप्तान साहब से कहा कि उसको छुड़वा के और उसके घर उसके पिताजी के पास सकुशल वापसी करा दें, पर इतनी सी बात है और मैं कुछ नहीं। आज यहाँ पर न्यायालय के गेट में खड़े हैं, हो रही है, इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है? वो जबरन ले जाना चाहते हैं, गुंडावर्दी जो है बल पर। तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो अपने घर जाएगा, वो अपने घर जाना चाहता है। आप भी तो अपने घर जाएंगे? कोई व्यक्ति अपने पिताजी आप नहीं अपने पिता पत्नी के पास ही तो जाना चाहे, घर जाना चाहेगा। उसको जबरन प्रेशर में ले लिया है, पैसा का प्रलोभन दे दिया है, जबरन पैसे के बल पे लोगों को दबाना चाहते हैं और गाली गलौज गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमने अपहरण नहीं किया था, आप मुकदमा लगवा दिया। गलत कह रहे हैं, उसके पिता का बयान वीडियो है, मैंने आप लोगों को वीडियो दिया। उन लोगों का कहना है कि कोर्ट के सामने उसने बयान दिया है, जब भी मर्जी से हम गए थे, हमारे ऊपर कोई हमें कोई अपहरण नहीं हुआ था। 8-10 दिन से उसको जबरन मारा पीटा है, उसको प्रेशर में लिए है, उसको पैसे के लालच दिया है, उसका बाप रो रहा है। 4 दिन से उसके घर में रोटी नहीं बनी है, पत्नी रो रो के वो बुरा हाल है। हम माननीय विधायक जी के यहाँ मेरे घर पर दोनों उसके पिता पत्नी आए और जो रो रो के फूट फूट के रो रहे थे, मेरे लड़के को जबरन लोग उठा ले गए, इसके लिए मैं शासन से मांग की। अब अगर वो स्वेच्छा से अपने घर जाना चाहता है या जाना चाहता है तो आप लोगों को या उसके परिवार के लोग आ गए, मुझे क्या आपत्ति? उसके परिवार के लोग आ गए, यहाँ से उठाना चाहते हैं, वहाँ से यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोग जबरन उठाना चाहते हो, और ये विरोध है हमारा। कानून की व्यवस्था बनी रहे, कानून के पक्ष में हो। धन्यवाद। यूपी के आगरा जिले में नाबालिग युवती को बहला फुसला कर निकाह और धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक के हस्तक्षेप के बाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल आते जाते एक युवक से दोस्ती हो गई। युवक ने अपना नाम निक्की यादव बताया और 6 माह तक बातचीत के बाद बीती 15 जून को कथित निक्की की बहन सोनम और माँ युवती के घर आई और बहाने के साथ ले गई। पिता ने लोक लाज में शिकायत नहीं की। पीड़ित पिता ने लड़की के घर न आने पर
उसे कई बार फोन किया पर बार बार उसे अलग अलग जगह बुलाया गया, जिसके बाद लड़के के परिजनों ने लोकलाज का भय दिखाते हुए समझा बुझा कर सप्ताह भर में लड़की के वापस आने की बात कही। बामुश्किल जब पिता के फोन पर लड़की मिलने आई तो पिता उसे घर ले आया। पिता का कहना है कि लड़की के फोन पर बात करने के दौरान एक बार पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने डांट कर कहा था कि बेटी भाग जाएगी, इससे पहले तुम यहां से छोड़कर कहीं और चले जाओ। जबरन पढ़वा दिया गया निकाह, कहा मुस्लिम बन जाओ। युवती के अनुसार जब वो निक्की के घर गई तो पता चला कि उसका नाम कासिम कुरैशी है और बहन सोनम कुरैशी है। पिता रहीसुद्दीन व माँ रुखसार ने उसे समझा बुझा कर कासिम के साथ निकाह पढ़वा दिया और उसे मुसलमान बनाकर रहने को कहा। पीड़ित पिता का कहना है कि आरोपियों ने बेटी के साथ सब गलत काम करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। आरोपियों ने उसका निशा कुरैशी नाम से आधार कार्ड भी बनवा दिया। विधायक के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तरी विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने इस मामले में जानकारी होने पर हस्तक्षेप किया। उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र रावर्सगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गौगारी गांव में सैवानी वृत्त राजस्व निरीक्षक से प्रसाद पांडे के घर बृहस्पतिवार की रात्रि में चोरों ने लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत के सोने व चांदी के आभूषण और लगभग 8,000 नकदी चोरी कर ले गए। सुबह जब सोकर उनका लड़का संतोष पांडे उठा तब देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में अंदर गया तो लोहे का बकस घर में नहीं था। गोदरेज अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने आनंद फानन में डायल 112 को सूचना दी। डायल 112 मौके पर पहुँच कर ये बोलकर वापस चली गई कि आप कोतवाली पुलिस को सूचना दीजिए, हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, हम मारपीट से संबंधित या चोरी करने वाले लोग मौके पर उपस्थित रहे, उस स्थिति में हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। मामले की लिखित तहरीर शैवानी वृत्त राजस्व निरीक्षक के लड़के संतोष पांडे ने सदर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। तो लगभग कितने का चोरी हुआ है? 2.5 लाख रुपये आपका जाना था और प्रशासन गई थी, प्रशासन मुकदमा दर्ज हो गया। प्रशासन क्या बोली? आपको किसी पे संदेह है? गांव भर का माहौल है, इसमें संदेह किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मकान को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमलावर हो रहे हैं। पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो थाना मझोला के गांगनवाली मैनाठेर का है और एक मकान को लेकर लोग एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। एक पक्ष द्वारा पीड़ित मकान मालिक को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया गया। परिवार की महिलाओं को लात और डंडों से बुरी तरह पीटा गया, जिसके चलते घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वही पुरुष का भी अस्पताल में इलाज जारी है। जबकि हमलावर लोग राजनीति के प्रेशर के चलते लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा थाना मझोला पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। शुक्रवार को पीड़ित पक्ष के एक युवा द्वारा थाना मझोला पर जाकर गुहार लगाई गई। युवक का कहना है कि उनके परिवार के सभी सदस्य घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। दबंग लोग अभी दबंगई दिखा रहे हैं। न्याय की गुहार लगा रहे युवक द्वारा अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा। सर वो हमारी जमीन है, ठीक सर, कुछ गुंडे क्या, जो मतलब दलाल लोग हैं जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्हें संग में लेकर जो हमारे चचा ताऊ हैं, ठीक, वो हमसे जो है ना जबरदस्ती कब्जे कराने चाह रहे हैं सर, जो बीजेपी वाले नेता वाले हैं। सर जो कल की घटना है, लगभग है 12 बजे की बात, 12 बजे मैं तो सर कहीं पर गया हुआ था, ठीक सर, मैं जो जब मैं आया तो मैंने देखा झगड़ा हो रहा है यहाँ पर,
मैंने कहा अच्छा किस बात पर, बोल गई सर ये हमारे घर पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है ना, समझे सर काफ़ी टाइम हो गया फिलहाल में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी मतलब नेतागिरी चल रही है चलाते हुए फिलहाल में, तुम्हारी दादागिरी है। हमने इन्हें समझाया नहीं माने, बैठ के ही बात हुई नहीं माने। मारपीट सर इस बात पर हुई है, ये हमसे दो पहले पुलिस वाले गए थे मुझे थाना टीपी नगर उस पर चौकी पे से, वो हमसे बोले सर कि हमारा जो है ना ये खाली कर दो तुम। मैंने कहा हम क्यों खाली कर रहे हैं, हम इसमें 20 साल से रह रहे हैं, हम क्यों खाली करते हैं। हाउ तो है हमारे नाम में, बिजली के बिल हमारे नाम में, हर चीज़ सर हमारे नाम में, हम क्यों खाली करते हैं इसे। मारपिटाई सर ऐसा है, ये जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे। संजीव चौहान बीजेपी मंडल अध्यक्ष, विजेंद्र लोधी बीजेपी मंडल अध्यक्ष, गागनवाली मैडर का बीजेपी जो मतलब जितेंद्र लोधी है वो मतलब गरीब आदमी को सता दिया है। क्या चाहते हो आप? सर हम ये चाहते हैं हमारा इंसाफ हो, और सर मेरी भाभी अस्पताल में सिविल लाइन अस्पताल में, सिविल लाइन अस्पताल में सर आप वहाँ पे जाना। क्या हुआ उनको? सर इन्होंने जो है ना हमारे परिवार वालों ने जैसे था ना हमारे उनके जो ऑपरेशन हुए थे दो उसके पेट पे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से लाते फिर हैं उनके, मतलब जब पेशाब कर रही है वो ब्लड जा रहा है उनके पेट में। सर वो तो इस टाइम तो वो फिलहाल में अस्पताल में। सर हम मझौला थाने में आए हुए हैं इस टाइम। क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं हमें इंसान मिलना चाहिए। सर जाति हिंदू हम लोधी हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीनी बंटवारे को लेकर तीन बड़े भाइयों ने एकजुट होकर छोटे भाई और उसकी पत्नी को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया, और तीनों बड़े भाइयों द्वारा छोटे भाई को बेरहमी से पीटने की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने पीड़ित का इलाज कराकर छोटे भाई की तहरीर पर बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बताते चलें कि मामला थाना उत्तर क्षेत्र में आने वाले जलेसर रोड स्थित रामकृष्ण नगर का है, जहां रहने वाले ज्ञान स्वरूप के चार पुत्र हैं। सुबह उनके तीन बड़े पुत्र जमीन बंटवारे को लेकर उनके सबसे छोटे पुत्र गौरव के साथ मारपीट करने पहुंच गए। अगर पीड़ित गौरव की मानो तो जब सुबह के वक्त वह सो रहा था तो तीनों भाइयों ने पहले उसकी पत्नी से झगड़ा किया, और जब वह बचाने पहुंचा तो उसके भाइयों ने लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से उसकी भी जमकर पिटाई की। घटना का सारा वीडियो वहां लगे कैमरे में कैद हो जाने के बाद आरोपियों ने कैमरा तोड़ने की कोशिश की। गौरव की तहरीर पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ 323, 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं रामकृष्ण नगर गली नंबर 3 में रहता हूं। मैं सुबह सो रहा था तो मेरे तीन भाई, जिस बड़ा भाई का नाम है अमृत शर्मा और उससे छोटा है अवधेश शर्मा, उससे छोटा है सुनील शर्मा, तीनों भाई घर में घुसे आए, मेरे साथ मेरी बीवी के साथ मारपीट की साहब। मेरी बीवी अभी भी घर पे अकेली है, और ये सारी घटना साहब सीसीटीवी कैद भी है साहब, ये सब घटनाएं पूरी। हाँ सर मैं थाने गया था अकेला दौड़ता भागता हुआ, जो गली में भागा हूँ वो भी सीसीटीवी में होगी, जान बचा के भागा ही हूँ मैं। सड़क पे आके टेम्पो बुक किया, मैं वो थाने गया हूँ, थाने वाले फिर मुझे हॉस्पिटल लेके आए। सर मुझे खुद ही पता ही नहीं क्या बात है, हमारा विवाद चल रहा है बहुत दिन उसका, बंटवारे वगैरह का, घर परिवार का। मैंने पहले भी कोर्ट में भी केस किया इनके नाम में एक बार, मेरे पास पहले ही मारपीट हो चुकी है एक दो बार, पहले ही मारपीट हुई एक बार, मेरे गांव में घेरा था ऐसे, गांव में पीटा था मुझे बहुत ज़्यादा, आज फिर दोबारा घटना हुई मेरे साथ। सर ये हाँ सर पुलिस को सूचना दे दी मैंने, पुलिस सर थाना उत्तर आता है सर ये। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।